चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। हाँ जी पार्षद साहब, क्या कहोगे? आपके अथक प्रयासों और समाज के अथक प्रयासों से आज ये मूर्ति यहाँ पर उद्घाटन भी होगी, इन रुकावटें सब खत्म हो गई। इसमें हम अपने स्वामी जी का बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने डीएम साहब का धन्यवाद देना, निसंग जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने इसमें हमारा बड़ा सहयोग किया। इसमें बड़ी रुकावटें आई पर चौधरी साहब का कि अनावरण यहाँ पे होना था, ये लिखा था परमात्मा ने, ये हो गया। इसके लिए आज हमें पूरे सब समाज को और पूरी छत्तीस बिरादरी को और किसानों को सबको बहुत बड़ी ही खुशी का माहौल है। भाई जिस तरह से यहाँ पे लग रहा था कि मूर्ति आप हट सकती है, ये हट सकती है, तो मामले मुकदमे में दर्ज हुए उस चीज़ को लेकर क्या? जी हमें रात तक भी, मतलब हमने यहाँ पे बैठ के 3-3, 4-4 बजे तक हमने इनकी सुरक्षा के लिए बैठे रहे हम सुबह के, तो लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ बाद में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ शुरू में हमें लगा कि प्रशासन से हटाएगा तो इसलिए हम यहाँ बैठे रहे, लेकिन उसके बाद हमें स्वामी जी की तरफ से या निसंग जी की तरफ से या सीएम साहब की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला, हम अपनी मूर्ति यहाँ पे लगा पाए। मूर्ति चौधरी चरण सिंह जी की, किसी आतंकवादी की मूर्ति नहीं लगाई, मूर्ति चौधरी चरण सिंह जी की लगाई और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की जहाँ स्थापना होगी वहाँ रहेगी, किसी की मां ने पद विजय वहां से हटा देगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी इन्हीं के हाथों से हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाट समाज के आग्रह पर यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर अनावरण किया है मूर्ति का चौधरी चरण सिंह, क्या कहेंगे सर? आज मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके 120वें जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज रुड़की के अंदर उनके नाम से एक चौराया बनाया गया, उनका स्टैचू लगाया गया और जिन हमारे साथियों ने इसमें योगदान दिया वो भी बधाई के पात्र हैं। और चौधरी चरण सिंह जी कोई एक समाज के नेता नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे। वो राजनीति में जो लोग राजनीति करते हैं उनके प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, ईमानदारी का जीवन था, एक अलग प्रकार की ईमानदारी की राजनीति उन्होंने देश में की है। और मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को जानता है, उनके विचारों को जानता है, वो हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर मूर्ति हटाने की बात कर रहा था, रात को हटाने की कोशिश की गई लेकिन जाट समाज द्वारा रोक लिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हो सकता है उनको तब तक जानकारी ना हो, जब उनको सच्चाई की जानकारी उनको बताई गई तो उन्होंने एकदम अपने आप को पीछे हटा लिया और मूर्ति लगाने का समर्थन किया। यहाँ पर अज्ञात मुकदमा भी सर, अज्ञात मुकदमा भी हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अज्ञात में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है प्रशासन द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? PWD की जगह है, उन्होंने आपत्ति जगाई। वो मुकदमे किन लोगों पर लिखे गए हैं, क्या लिखे हैं, अज्ञात में लिखे गए हैं, हम उसकी जानकारी करेंगे और मुकदमे अगर लिखे गए हैं तो उनको हटा लिया जाएगा। तो स्वामी जी आप लोकसभा लड़ेंगे? देखिए हमारे सांसद माननीय निसंग जी हैं जी। वो 2 बार से लगातार सांसद हैं और वो अगली बार जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम सबको बड़ी मजबूती के साथ यहाँ से उनको जिताने का काम करना है। क्या कहना चाहोगे आज मूर्ति के उद्घाटन में? जहाँ परसों तक बिल्कुल ये मौसम बना हुआ था कि भैया मूर्ति का अनावरण होगा नहीं होगा, लगेगी नहीं लगे, क्या होगा, आज जो भी है साक्ष्य सबके सामने है, बहुत जोर शोर से आज भव्य स्वागत किया गया और भव्य अनावरण किया गया स्वामी जी के कर कमलों द्वारा। स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें और सभी जितने भी भाई हैं, किसी एक आदमी को श्रेय नहीं जाता इतने बड़े काम का। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। कहना चाहोगे आज मूर्ति का तो उद्घाटन भी मंत्री जी द्वारा कर दिया गया है, पूर्व मंत्री द्वारा, और यहाँ पर कार्यक्रम भी भव्य है, क्या कहना चाहोगे आज जाट समाज के लोग यहाँ उपस्थित है? भाई देखो जाट समाज की सबसे बड़ी कामयाबी और उनकी मैं पहली कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और इसका कोई हम अनमोल हैं, हम इतने मतलब अपने दिल से इतने वो खुश, अगर भाई इससे बड़ी कोई कामयाबी हमारी हो नहीं सकती भाई। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ से स्थापित हो गई और उसका अनावरण हो गया। और मंत्री जी ने साफ तौर पे कहे जो मुकदमे दर्ज अज्ञात में होते हैं वापस लिया जाएगा, तो उसके लिए उनके क्या होगा? उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनके लिए हम उनके आभारी सारी जिंदगी भर रहेंगे कि उन्होंने हमारा इतना बड़ा काम करा, यही कहेंगे। विधायक
नहीं कोशिश करी थी उसने बेचारे ना भाई, सारी चीज बनवाई थी, सड़क चौधरी चरण सिंह के नाम से बनवाई थी उसने, उसके भी हम धन्यवाद अदा करेंगे जी। क्या कहना चाहेंगे, आपने भी बड़े जोशों के साथ इस आवाज को उठाई थी कि मूर्ति जहां वहां लगी रहनी चाहिए। मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जो है ये मूर्ति थी, ये कोई किसी ऐरे गहरे व्यक्ति की मूर्ति नहीं थी, एक ऐसे आदमी की मूर्ति थी जिसने इस देश के गरीब आदमी को, किसान को एक आवाज़ दी, उसकी कमर मजबूत की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का जिन्होंने इसके अनावरण में सहयोग किया, प्रशासन का भी, उन लोगों का भी जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया, जाट समाज सभा के जो पदाधिकारी हैं उनका, जिन्होंने इसमें जो है धन एकत्रित किया और ये मूर्ति की स्थापना की। और मुझे उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने का हम सब लोग प्रयास करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ये सच है कि जिस तरह से मंत्री जी को बताया गया, प्रशासन को जानकारी थी कि मूर्ति यहाँ पर परमिशन है या नहीं है, तो परमिशन थी क्या इसकी? नहीं, इसका प्रस्ताव था नगर निगम से, नहीं PWD से, जिस तरह बता रहे थे कि या फिर नेशनल हाईवे से इनकी परमिशन होनी चाहिए। नहीं दीपक जी, जब आपको अच्छा काम करना चलते हैं तो 10 आदमी साथ होते हैं और कुछ लोगों को उसमें दिक्कत होती है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह एक ऐसी विभूति इस देश में पैदा हुई जिसने निस्वार्थ, बिना भेदभाव, तमाम लोग बिना जातिवाद, बिना धर्मवाद के लोगों को एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से उन्होंने उनकी ज़मीन का मालिक बनाया। तो इसी तरह से जो है, जब अच्छा कोई काम होता है तो उसमें कुछ लोग खराब भी। बहुत धन्यवाद, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, जो आपकी टीम है जो बहुत अच्छा भूमिका निभाई, किसी की बुराई नहीं, भलाई नहीं, किसी को जोड़ना नहीं, सच्ची बात कहना। और दूसरी बात मैं कहूँगा, रही बात परमिशन की, परमिशन जब चौधरी सुरगे चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया किसान घाट बनाने के लिए, किसी ने परमिशन नहीं दी क्या? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और सब किसानों को लेकर, सब अपने उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए, नाप क्या बड़ा फित्ता घेर कर ठीक कर दिया। जब ये PWD वाले भेजे इन्होंने कि भाई यहाँ से फित्ता घेर लो, फित्ता ढंडेरे की सड़क पर गिरवाओ ना, वहाँ 5 फुट गहरी हो रही, वहाँ पानी भरा रहा, वहाँ लोग वहाँ डेंगू फैल गया, वहाँ गिरवाओ फित्ता। हम सबका धन्यवाद करते हैं, सबके आभारी हैं, ये एक के आदमी नहीं है, सबके पूरे देश के, पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे। और ये नेकर पहरा कर रहे थे लोग, पुलिस वाले भी, यो पेंट इन्होंने सिखाई थी, यो किसान को जो बोलने का हक दिया था चौधरी चरण सिंह ने दिया था, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। शोक के लिए समाज क्या करेगा, इसे और भव्य बनाएगा, बढ़िया इसे बहुत, जैसा ये अच्छा काम किया ऐसा ही अच्छा काम और किया जाएगा, और बस जो अच्छा होता रहे उसे देते रहो, खराब को दियो ना कहीं। सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आज चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर और स्वामी श्रद्धानंद जी का भी जन्म दिवस आज, तो ऐसे महान शख्सियतों के जन्मदिवस पर पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो मूर्ति रखी गई इसके लिए सब यहाँ के जो सचिन भाई हैं, अपने सब साथी हैं, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बढ़िया काम किया, इसने बधाई देते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। धन्यवाद। मुकदमे लगे हुए तो आज ही खत्म हो गए, मुकदमे है कहाँ।